मैं मानूर और आज हम लोग फोरेंसिक लैब में हैं और आज हम लोग डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे कि किस तरह हम लोग वुंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर एक मॉडल हो उसमें ये वुंड हुआ तो वो कौन सा वुंड होगा. सो हम लोग देखेंगे वन बाय वन. सो लेट्स सी. सबसे पहले हमारे पास ये एक सैम्पल है, एक बंदा है जिसको यहाँ नेक पे स्टैब हुए हुए हैं. तो ये हमारे पास जो वुंड होगा, अब ये सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल, और ये हमारे पास थ्रोट है तो इसलिए सुपरफिशियल कट थ्रोट. और ये हमारे पास आ जाती है इनसाइज वुंड की एग्जाम्पल में. सेकेंड हमारे पास जो आ जाती है उसमें हमारे पास, अब ये देखिए, एक बंदा है जिसके हम माउथ के आगे सारा फ्रॉट निकली हुई है, माउथ से फ्रॉट निकल. तो जब भी फ्रॉट निकलेगा तो वो जो बंदे को वुंड हुआ होगा वो ड्राउनिंग का केस होगा. तो ये जो मॉडल है ये हमारे पास बेसिकली एक ड्राउनिंग का केस की है. थर्ड हमारे पास जो आ जाती है, अब हम लोगों के पास देखिए, ये हमारे पास आ गई है कि ये यहाँ तो अगर अपर पार्ट में है या लोअर एब्डोमिनल कैविटी में. तो ये हमारे पास होती है स्टैब वुंड्स, कि इसको जा तो किसी ने छुरी मारी है कुछ, और जो वुंड होगा उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी. तो ऐसे वुंड्स जिनकी डेप्थ ज़्यादा होती है उन्हें हम लोग स्टैब वुंड्स कह देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, ये हमारे पास आती है शॉटगन की. शॉटगन में हमारे पास होता है एंट्री वुंड में हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे पास होगी ब्लैकनिंग वगैरह, स्मोक वगैरह, वो सारी वुंड के साथ फैली हुई होगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वुंड का निशान ये, और ये साथ उसका सारा स्मोक वगैरह पर. तो ऐसे वुंड को हम कह देते हैं शॉटगन एंट्री वुंड. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉडल जिसमें फेस पे अटैक हुआ है, और आप देख सकते हैं कि फेस पे उन लोगों ने केमिकल फेंका हुआ जिसकी वजह से फेस की सारी ख़राब हुआ हुआ है. ऐसे वाले केस को हम कह देते हैं विट्रोलेज. और एसिड हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसको हम लोग CuSO4 कह देते हैं, सल्फोरिक एसिड. और अगर हम लोग के साथ सिंधियत के मुताबिक कहेंगे तो इसको इतलाफ इसलाइते उद में हम लोग लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेम मॉडल आपके पास आता है कि आप लोगों के पास वही नेक पे हमारे पास अटैक हुआ हुआ है, इनसाइज वुंड हुआ हुआ है, और इस वुंड का अपना नाम क्या है कि ये कट है, थ्रोट है, और ये बंदे ने सुसाइड किया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास ये मॉडल आ जाती है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसकी जो सारी पार्ट है वो सारी आपके पास बर्न हुई हुई है. तो ऐसे वाली जो बॉडी है जिसमें हमारे पास जो चेस्ट है, नेक है, आर्म्स है, एब्डोमेन सब इन्वॉल्व हो गए, इसको हम लोग कह देते हैं बर्न वुंड है. जो हमारे पास कोई भी ब्लंट वेपन की वजह से होता है और हमारे पास सुपरफिशियल होगा जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास सारा ब्लड आपके पास इन्वॉल्व हो जाएगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इस वुंड को हम लोग ब्रूज कह देते हैं. ये हमारे पास जो वुंड है ये हमारे पास होता है राइफल कट, ठीक है. इसमें हमारे पास कोई भी ब्लैकनिंग वगैरह नहीं होगी, कोई स्मोक वगैरह नहीं होगा. बस जो वुंड होता है ये हमारे पास शॉटगन का होगा, और इसमें आप लोग साथ देख सकते हैं कि तरह तरह की ब्लैकनिंग हुई हुई है और स्मोक भी निकला हुआ है, पाउडर भी होगा. तो ऐसा जो वुंड है जिसमें पाउडर भी होगा, ब्लैक भी होगी और स्मोक होगी, उसे हम लोग कह रहे थे शॉटगन की. और ये हमारे पास स्मॉल है तो इसलिए ये एंट्री वुंड है. तो हम लोगों ने वन बाय वन पढ़ा, और हम लोगों ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि अगर हमारे पास इस तरह की सैंपल हुआ तो हम लोग कौन सा वुंड देंगे. सो होप ये आप लोगों को हेल्प करे और आपको फॉरेंसिक में ईजी करे. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.